फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन का हमें बरसों से इंतजार था, यानी कि WTC फाइनल। और मुझे तो ICC का भी समझ नहीं आता यार, इंग्लैंड से ऐसा कौन सा प्यार है भाई जो हर ICC इवेंट में मुंह उठा के इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। और ये इंग्लैंड का वेदर भी कुछ अजीब ही है, जैसे ही पता चलता है मैच होने वाला है टीम से पहले बारिश पहुंच जाती है। इंग्लैंड की फोटो देखकर ऐसा लग रहा है क्रिकेट मैच नहीं श्रद्धा कपूर के गाने की शूटिंग चल रही है। सही में भाई ऐसा लग रहा है सूरज देवता गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए नानी के घर गए हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है ICC वाले दिमाग का कुछ कम यूज करते हैं तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ICC वाले तो दिमाग का कुछ ज्यादा यूज करते हैं। मतलब एक जगह पे इंडिया और न्यूजीलैंड का WTC का फाइनल चल रहा है और दूसरी जगह पर वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच में WTC की सीरीज चल रही है। हालांकि ICC ने एक अच्छा काम किया एक रिजर्व डे रखकर, लेकिन भाई जिस हिसाब से बारिश हो रही है एक रिजर्व डे नहीं 5 रिजर्व डे की जरूरत है। और ये इंग्लैंड वाले तो हमारे दोस्तों से भी ज्यादा कंजूस हैं। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। मतलब सिर्फ पिच को ही कवर करते हैं और बाकी ग्राउंड को खाली छोड़ देते हैं और फिर जितना टाइम सुखाने में लेते हैं उतना टाइम में बारिश दोबारा आ जाती है। हर मैच की तरह इस मैच की शुरुआत हुई टॉस से, पर इंग्लैंड में एक बार को धूप आ सकती है लेकिन अपने कोहली भाई टॉस जीत जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। सही में भाई अब तो ऐसी हालत हो गई है BCCI को टॉस के लिए भी एक स्पेशल कोच रखना पड़ेगा। डे वन तो बारिश ने धोया लेकिन डे टू में इंडिया के बैट्समैन ने जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स को धोया मजा ही आ गया। अंदर क्या कुछ सोचो, बहुत छोड़ जाके तेरे मुच्छड़ को गुजराती में बोल के गुंडिया भाव आई बात छे बोल। और ये भी बोलते साथ में पांड्या भी है, हाँ, साथ में गुंगा बहरा भी है। और बोलना उसको कि हमारा दिमाग बहुत गर्म हो चुका है और जरूरत पड़ी तो हम कुश्ती लड़ने को भी तैयार हैं। सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे थे इंडिया के बैट्समैन का टेस्ट होगा, लेकिन भाई इंडिया के बैट्समैन ने तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स का ही टेस्ट ले लिया। और बाकी बॉलर्स तो ठीक है लेकिन ये न्यूजीलैंड की टीम ने चीटिंग करी हमारे साथ। कोलिन डी ग्रैंड होम बोलकर सस्ता राशिद खान खिला दिया भाई, 120 की स्पीड से लेग स्पिन कर रहा है। मैच तो काफी इंटरेस्टिंग चल रहा था लेकिन क्रिकेट के बीच में प्लेयर्स ने लुक्का छुपी खेलना शुरू कर दिया। सही में भाई ऐसा लग रहा था मैच नहीं मजाक चल रहा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है, नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए। मैच की बाकी बकचोदी एक तरफ लेकिन अंपायर्स की बकचोदी एक तरफ। मतलब एक अपील थी भाई जिसमें ना तो फील्डिंग टीम ने रिव्यू लिया और ना बैटिंग टीम ने, लेकिन फिर भी अंपायर थर्ड अंपायर के उंगली करने पहुंच गया। मतलब अब तो ग्राउंड अंपायर भी नहीं चाहते, थर्ड अंपायर चैन से जिए। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।